नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज़ फॉर द कोर्स साइकोलॉजी ऑफ लर्न एंड लर्निंग एंड फॉर द प्रोग्राम बीएससी बीएड एज वेल एज बीए बीएड थर्ड सेमेस्टर. सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजी मीनिंग एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. नाउ वी कम टू द फर्दर टॉपिक द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो स्टूडेंट्स, द ग्रोथ मीनिंग, इसका हिंदी अर्थ मान लीजिए वृद्धि. वृद्धि का अर्थ क्या है? शारीरिक परिवर्तन से है, मतलब अपने वेट बढ़ना, बॉडी का शेप बढ़ना, साइज में बढ़ना, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रोथ. वही ग्रोथ है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज़ इंक्रीज इन साइज एंड द अमाउंट ऑफ एंटिटी. द वर्ड ग्रोथ इज़ यूज इन द ऑल दो स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन. जैसे जैसे मैच्योरेशन होता जाता है, वैसे वैसे इस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का ग्रोथ भी होता जाएगा. फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन द वेट, हाइट डिफरेंस और डिफरेंट ऑर्गन्स इज कॉल्ड ग्रोथ. नाउ इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड कंटिन्यूस फॉर बर्थ टू एडल्टहुड. मतलब ये कब तक रहेगा? जब जब से आपका जन्म होगा एक पर्टिकुलर पर्सन का, और ये जब तक हम एक वयस्क नहीं बन जाते, एडल्ट में स्टेज में नहीं आता, तब तक हमारा ग्रोथ प्रोसेस चलता रहता है. एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ए चाइल्ड नीड्स फूड. यू नो, व्हेन ही ईट फूड इट बिकम ए पार्ट ऑफ हिज बॉडी. ड्यूरिंग दिस टाइम न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विच रिजल्ट इन फिजिकल इंक्रीजेस. दिस वी स्टडी ऑल्सो इन आवर बायोलॉजी. दिस फिजिकल इंक्रीज इन इज कॉल्ड द ग्रोथ. नाउ कम टू द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का हिंदी मीनिंग होता है विकास. विकास से यहाँ पे क्या है, सेंस एंड अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डिफाइंड एज द वर्ड डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेसिव चेंज वर्ड इन साइज शेप एंड फंक्शन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय विच इट्स जेनेटिक पोटेंशियल आर ट्रांसलेटेड इन टू फंक्शनिंग एडल्ट जीनोटाइप. दिस मीन्स दैट सिस्टम, दिस मीन्स दैट द डेवलपमेंट इंक्लूड द इंक्रीज नॉट ओनली इन द साइज बट ऑल्सो इन द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन. किस तरह से काम कर रहा है. नाउ दस डेवलपमेंट इज द नेम ऑफ दोज साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द साइकोलॉजी चेंजेस टेक एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल, वैन द मसल्स ऑफ लेग बिकम स्ट्रॉन्ग, ए चाइल्ड begins to creep, then stand and then start walking. So the creeping, standing and walking are called the development process. By this example you can understood very well then what is development. Now what is the difference between development and growth? So students, growth and development is one of the important study for the teachers and parents. Growth is different from development, but both are correlated with and one is dependent on another. We can say that growth is a part of development which is limited in physical changes. Growth and development are similar word but different from each other, though it is not possible to separate them. It is whole process which include growth of the body as well as the growth of various aspect of child personality. For example, physical, emotional, social and cognitive development. These all comes under growth and development process. Development is a progressive change the child undergoes which increase the physical, social, mental and emotional capacities of the child. In the early stage of the life, these changes are constructive and are after middle age there are destructive changes in the body which leads to old age as a growth. Growth is a physical change whereas development is overall development of the organism. The main difference between both are as like in that particular dividation of growth and development you can observe growth is a quantitative, wo hamesha quantity mein hogi. Development always in quantitative as well as qualitative. Growth comprises the height, weight, size, shape of and body. Of body of organs like brain etc. But development it is the with the physical changes हमारे body में क्या physical changes आ रहे हैं, socially वो कैसे behave करते हैं, emotionally how we are thinking, that includes in development process.
ग्रोथ इट इज़ ड्यू टू सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट इट हैपन्स ड्यू टू मोटर एंड एडजस्टमेंटल प्रोसेस एंड देयर इंटरप्ले. ग्रोथ इट इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड एंड डेवलपमेंट इट इज़ टिल द डेथ. टिल एक चाइल्डहुड से लेकर पूरा हम रहा जब तक डेथ नहीं होती तब तक हम कुछ ना कुछ हमारे अंदर डेवलपमेंट होता रहता है. हमारी थिंकिंग के अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर, हम बिहेवियर के अंदर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वही हमारा डेवलपमेंट है. ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, उसको हम मेज़र कर सकते हैं. डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मैच्योर, इट ओनली ऑब्जर्व बाय मैच्योरिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन. ग्रोथ टेल अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी बट इन लिमिटेड स्कोप, बट डेवलपमेंट डील्स विद all the aspect of personality and has a vast scope. This growth is physical aspect of the organism and development is overall changes, progressive changes of an organism. Growth is cellular but development is a organizational. Growth is a part of development, the development is organization, is include growth, also include growth. The growth go side by side and development go side by side, it also go side by side. Growth can be measured accurately. Development is subjective interpretation of one's changes. So I think both the growth and development are interrelated aspect of psychology and there are some basic difference as per their structure, but it is difficult to separate them. They have some basic similarities also. In a study of education psychology, study of the differences and similarities have equal importance for a teacher. Students, I think you have understood what is growth and what is development and basically their differences. Thank you.